guys, welcome back to our channel Beautiful You. I am Divya Misra. Today I am gonna show you how to lighten your dark underarms. Guys, ये video English में नहीं है, ये video हिंदी में है क्योंकि मैं बनाती हूँ हिंदी में video आप सबके लिए. Guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने अंडर काले underarms को साफ सुथरा गोरा कैसे बना सकते हैं. तो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मेरे वीडियो को मिल सके और ऐसे यूजफुल वीडियो आप आगे भी देख सकें. तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज का ये घरेलू उपाय क्या है जिससे आप अपने अंडर आर्म्स, काले अंडर आर्म्स को गोरा बना सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे इम्पॉर्टेंट एक टिप्स देना चाहती हूँ अंडर आर्म्स को गोरा करने के लिए. अगर आप अपने अंडर आर्म्स को गोरा करना चाहते हैं तो आप कभी भी सेव ना करें, यानी कि आप सेविंग मशीन से जो सेव कर लेते हैं ना, ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम ना करें. इसके बजाय आप करवाएं वैक्सिंग. आपको शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे कि नहीं, सेविंग बहुत अच्छी होती है, अरे, बट मुझे जो ज्ञान है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप वैक्सिंग करवाएंगे तो 90% आपके जो अंडर आर्म्स हैं वो लाइटन रहेंगे, वो डार्क नहीं रहेंगे. जो लोग वैक्सिंग नहीं कराते हैं अधिकतर उन्हीं लोग के अंडर आर्म्स काले पड़ जाते हैं. हालांकि काले पड़ने के कई सारे रीजंस होते हैं जिसमें से है कि आपको फंगल इन्फेक्शन कोई हो गया हो, पसीना बहुत ज़्यादा होता हो, बहुत आप टाइट कपड़े पहनते हो और हवा बिल्कुल पास ना करती हो, और आपका जो डेड स्किन वो है सबसे बड़ा रीज़न कि आपके स्किन जो हम है कि पूरा बॉडी तो लूफा से क्लीन रगड़ रगड़ के साफ कर लेते हैं लेकिन जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको हम क्लीन नहीं करते सही से, वो परत दर परत चढ़ती जाती है डेड स्किन और बाद में हमें ये काली परत के रूप में दिखाई देती है. तो ये डेड स्किन हटाना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप वैक्सीन कराते हैं तो 90% आपका काला नहीं पड़ेगा. और वैक्सीन कराने के बाद में जो मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ इसको करेंगे तो आपको वन डे में ही काफ़ी फ़र्क नज़र आ जाएगा. और अगर आप कंटिन्यूसली इसे करते हैं तो आपका जो अंडर आर्म्स है जो ब्लैक हो गया है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही लाइटन हो जाएगा. सो गाइस, देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या घरेलू उपाय है जिससे आप अपने अंडर आर्म्स को गोरा बना सकते हैं. टिप नंबर फर्स्ट है गाइस, जो हमारा पहला नुस्खा है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा. दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लीजिए चावल के आटे को, पाउडर बना के रख लें और उसे ले लें एक चम्मच. इसमें डालें 1 pinch ऑफ हल्दी और इसमें फिर डालेंगे हम 1 चम्मच खट्टी दही और फिर हम इसमें डालेंगे आधी नींबू का रस और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. गाय जिनका सेंसिटिव स्किन है वो नींबू कम मात्रा में डालें तो उनको कोई नुकसान नहीं करेगा. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और गाइस, क्या होता है ना कि गर्मियों में जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, इनको स्लीवलेस पहनना बहुत अच्छा लगता है और अगर आपके अंडर आर्म्स काले हैं तो आप स्लीवलेस पहनने में हिचकते हैं. इसलिए हमें अपने अंडर आर्म्स को हमेशा सही रखना चाहिए ताकि दूसरों के सामने हमें हेजिटेशन का सामना ना करना पड़े. दोस्तों, इसे अप्लाई करने से पहले हम अच्छे से अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हम अब अप्लाई करेंगे अपने इस पेस्ट को. इस पेस्ट को हम अपने अंडर आर्म्स पे अच्छी तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब हम इसको अच्छे से रगड़ करके चुराएंगे, क्योंकि जब आप इसको रब करेंगे तब आपकी जो डेड स्किन है, जो डेड स्किन सेल्स आपके अंडर आर्म से बन चुकी है, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी. और ये प्रक्रिया आप अगर कई बार करेंगे, हफ्ते में 2 से 3 बार, तो अच्छे से डेड स्किन आपकी निकल जाएगी. गाइस, इस तरह से आप मल करके इसको निकालें डेड स्किन को अच्छी तरह से, क्योंकि जो राइस पाउडर है वो काफ़ी हेल्प करता है डेड स्किन निकालने में.
और इसके बाद आप इसको टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लें, गीला कर लें टॉवल और उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अब इसके बाद हम यूज करेंगे पैक का, जो भी पैक रेडीमेड पैक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रेडीमेड पैक अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह हनी का यूज करें। आप हनी को लगा लें पैक के रूप में और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप उसको क्लीन कर लें। इसके बाद आप कोई भी टोनर या एस्ट्रेंजेंट यूज कर सकते हैं, इससे रिफ्रेशमेंट आपके अंडरआर्म्स में बना रहेगा। सी द डिफरेंसेस गाइस, मेरा पहले का ही अंडरआर्म्स और अभी के अंडरआर्म्स। जो सेकेंड टिप्स है गाइज अंडरआर्म्स को लाइटन करने का, वो है कच्चा आलू। कच्चा आलू हर घर में अवेलेबल होता है, इसको स्लाइस कर लें। स्लाइस करने के बाद इसको अच्छे से अपने अंडरआर्म्स एरिया पे रब कर लें, दोनों अंडरआर्म्स पे आप रब कर लें और इसको होल नाइट छोड़ दें, यानी कि आप पूरी रात इसको लगे रहने दें और सुबह में इसको पानी की सहायता से धो लें। तीसरा है गाइज कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल का आप यूज करें। आप इसको दिन में 2 से 3 बार यूज करें, इससे भी आपके अंडरआर्म्स लाइटन हो जाएंगे, क्योंकि कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल स्किन लाइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं उसको आप करें तो आपका जो अंडरआर्म्स काला पड़ चुका है वो 100% लाइटन हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें।